I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस जर्नी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एज आई एम डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि कल मैंने पोल डाला था कि मेरे नेक्स्ट क्यू एन ए का, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए गाइज मुझे इंस्टाग्राम में भी, बहुत लोगों ने भेजा है बहुत सारे क्वेश्चन। उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन था, जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड एंड रिक्वायर्ड क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने पिक कर लिए, जिसके आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। बिसाइड्स दैट, समबडी जस्ट मेड माई डे। मैं सुबह सुबह सो के उठी एंड मेरी एक व्यूवर्स, एक फॉलोअर या सब्सक्राइबर बोलो, जिसका नाम है रिया, उन्होंने अपना बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने मुझे डीएम करके बताया कि उन्होंने वेट लॉस किया है, और पता है कितने का? 23 kgs। एंड आई वॉज लाइक, वॉट, 23 kgs? एंड सी सेड यस, और वो भी सिर्फ 3 months के अंदर अंदर। उन्होंने 23 kg वेट लॉस किया 3 महीने के अंदर। एंड आई वॉज लाइक अमेज, लाइक सुपर मैन, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैंने पूछा आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया आपके वर्कआउट्स, आपकी डाइट को फॉलो करते हुए मैंने इतना वेट लॉस किया। अब आप सोचोगे इतना ज़्यादा वेट लॉस किया इतने कम समय में, तो कोई क्रैश डाइट किया होगा? नहीं, उन्होंने हेल्दी वे में वेट लॉस किया। क्योंकि वो ओवरवेट थी इसलिए उनका इतना अच्छा खासा वेट लॉस हो पाया है। वो अभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ही रही है गाइज। उनका वेट था पहले 116 kg, एंड वहाँ से वो कन्वर्ट होकर 92.4 kg में आई है गाइज। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड कंसिस्टेंट है। एंड ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी मोटिवेटेड हो, आपका भी मोरल पूरा बूस्ट हो जाए। एंड आप सोचो, जब इतना अच्छा टारगेट वो अचीव कर सकती है, अभी भी डेडिकेटेड है, लगी पड़ी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप लोग का जो टारगेट होता है, किसी को 5 kg करना होता है, किसी को 10 kg। अब सोचो उनका गोल इतना बड़ा था, फिर भी वो अपना हाफ जर्नी कंप्लीट कर चुकी है, अब थोड़ा सा जर्नी बचा हुआ है। आप लोग को भी ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है, इतना ही लगे हुए रहना। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज, आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम में, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आपको डाइट चाहिए, आपको वर्कआउट सजेस्ट करने, आप कुछ भी पूछो, मैं हर चीज बताऊंगी गाइस। लेकिन इसी डेडिकेशन के साथ लगे रहो, जब ये जोश और ये जज्बा रहेगा ना, तो आपका वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, एक हेल्दी वे में। तो ये थी बात इनकी। आई होप आप ये चीज सुन के आप डेडिकेटेड हो गए होगा, पूरा बूस्ट हो गया होगा, आपका मॉडल अच्छा खासा, एंड अपने वेट लॉस, अपने फिटनेस जर्नी में अब लग जाओगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना क्यू एन ए स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर अपना क्यू एन ए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बैठ के अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बैठ जाते हैं। हाँ नाउ अब रिलैक्स हो गए मोड में, अब आराम से जवाब देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रजत गुलियानी का, सॉरी अगर उनका टाइटल मैंने गलत बोला। तो उनका पहला क्वेश्चन है मॉर्निंग वर्कआउट वर्सेज इवनिंग वर्कआउट रूटीन। तो गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में आपको बताया कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। जब आपको अंदर से लगे कि हाँ अभी मेरा अच्छा खासा एनर्जी है, मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, जब अंदर से आए कि येस आई कैन डू इट, आप तब वर्कआउट करो। इवनिंग मॉर्निंग कभी भी वर्कआउट करो, आपको बस अच्छे से करना है, इंटेंसली करना है। लेकिन पर्सनली मैं अगर सजेस्ट करूँगी तो मॉर्निंग वर्कआउट इज़ द बेस्ट, क्योंकि जब आप रात के खाने के बाद आपका एक लॉन्ग गैप होता है, तो सुबह सुबह उठ के अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल लो रहता है, एंड जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपके फैट लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग वर्कआउट कीजिए। इन्हीं का गाइस दूसरा क्वेश्चन है कि जिम जाने का मन नहीं करता है, अगर जिम जाने से पहले आलस आ रहा है, बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट है काम की वजह से, तो जिम जाने से पहले क्या कंज्यूम करें? तो आप प्री वर्कआउट के लिए बेस्ट है गाइज, आप ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है जो आपके अंदर अलर्टनेस लाता है, और आप अच्छे से फुल अलर्ट होकर वर्कआउट कर पाते हो। और अगर कुछ आप खाना चाहते हो तो साथ में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, लाइक आप एक बनाना खा सकते हो ब्लैक कॉफ़ी के साथ, आपके एनर्जी भी देगा और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आएगा। आप बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्या वीगन डाइट से पतले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते है? आपको बस सही नॉलेज होना चाहिए अपने डाइट का कि कितने ज़्यादा, आपको पता है कि वीगन डाइट से हमें कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है कि हमें प्रोटीन सोर्सेज कितने सारे मिल सकते हैं, कितना सारा फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है वीगन सोर्स में, क्योंकि बहुत सारी ग्रीन वेजेस होती है, कार्ब्स हम लोग को मिल ही रहा है चावल दाल से, और साथ में प्रोटीन के सोर्सेज आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो वो भी हम अच्छा खासा ले सकते हैं वीगन सोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटीन का बात किया जाए वीगन सोर्सेज में, तो बहुत सारे पनीर है, चना है, सत्तू है,
है और सोयाबीन है बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है गाइज वीगन में। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर 100 ग्राम सोयाबीन है तो उससे हमें टोटल 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। अगर 100 ग्राम अगर हम चिकन ले लेते हैं नॉनवेज में तो उसमें से हम लोग को 33 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अब आप समझ जाओ कि प्रोटीन हमने सोयाबीन से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब वीगन सोर्स में भी हम लोग अच्छा खासा प्रोटीन इनटेक अपना ले सकते हैं। बस आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि सही डाइट का, कि आप कैसे अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ अपने डाइट में एंड अच्छे से आप पतले हो सकते हैं अच्छा डाइट फॉलो करते हुए। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चैतन्या ने, उनका क्वेश्चन है कि आपकी वर्कआउट प्लान बॉयज़ के ऊपर काम करेगा, डू बॉयज़ लूज वेट बाय डूइंग योर वर्कआउट्स? बिल्कुल चैतन्य, कोई भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी वर्कआउट फिक्स नहीं होता है कि सिर्फ लड़का कर सकता है सिर्फ लड़की कर सकती है। दोनों इफेक्टिवली वर्क करेगा अगर आप उस वर्कआउट को सही से कर रहे हो तो, क्योंकि वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका डाइट उससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 80% डाइट इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या खा रहे हो दिन भर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 20% वर्कआउट वो आपको टोनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ये कहा हो तो आपने सुनी ही होगी कि वी बिल्ड मसल इन किचन एंड वी ब्रेक मसल इन जिम, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इट्स आदिति ने, उनका क्वेश्चन है आई हैव एक्ने एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम, प्लीज कुछ सजेस्ट कर दो। तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा दाने आ रहे हैं, मतलब एक्ने आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मतलब आप हाइड्रेटेड नहीं होने से, प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, फाइबर का इंटेक बढ़ा दो अपने डाइट में, बहुत सारे सैलड्स खाओ जिससे आपका फाइबर इंटेक बढ़े, साइट्रस फूड खाओ लाइक विटामिन सी रिच फूड जिसमें ऑरेंजेस आते हैं ग्रेप्स आते हैं, ये सब खाओगे तो आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है हेयर फॉल का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको हाइड्रेटेड रहना है एंड आप देखना आपका स्किन जो का एकदम ग्लो करने लगेगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजीना खातून का, उनका क्वेश्चन है एप्पल साइडर विनेगर मुझे सूट नहीं करता तो मैं उसके बदले में क्या लूँ? तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिंपली वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके पी सकते हो, या तो वार्म वाटर विथ हनी पी सकते हो, या तो वार्म वाटर में आप जिंजर और दालचीनी डाल के भी पी सकते हो। आप ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब पीने से आपका वेट लॉस होने लगेगा, बस ये सब आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें से चूज कर लो जो आपको सूट करे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयाल झा का, इनका क्वेश्चन है दी मुझे स्वीट्स पसंद है पर वो अनहेल्दी होती है, तो उसके कुछ ऐसे स्वीट्स के रेसिपी लाए फेस्टिवल में जो हम खा सकें और अनहेल्दी भी ना हो प्लीज़। तो अब हमें ये चीज़ समझना होगा हम लोग स्वीट्स क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वो मीठा होता है उसमें शुगर होता है जो बहुत ज़्यादा हाई इन कैलरी होता है, इसलिए हम लोग स्वीट्स अवॉइड करते हैं। तो हम लोग शुगर का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं लाइक कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हैं या तो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, दे आर जीरो कैलरी गाइस। तो आप जो भी मिठाई बना रहे हैं आपके घर में रहा है तो आप स्टीविया यूज कर लो या तो कोकोनट शुगर यूज कर लो, उनका कैलरी थोड़ा लो होता है, स्टीविया का तो जीरो होता है। तो आप आराम से स्वीट्स खा सकते हैं मन भर के, बस आपको उसका अल्टरनेटिव चूज करना होगा। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है ब्ला 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 का, उनका क्वेश्चन है हाउ डू यू मेंटेन योर वेट, मैं अपना वेट कैसे मेंटेन रखती हूँ? तो जब मुझे वेट लॉस करना था तो मैं कैलरी डेफिसिट में खा रही थी, अब मुझे मेंटेन रखना उसको तो मैं अपना मेंटेनेंस कैलरी खा रही हूँ गाइस। मैंने अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दिया क्योंकि मैं अब मसल गेन कर रही हूँ, मैंने जिम ज्वाइन किया 1 वीक पहले ही टोनिंग के लिए, तो इसलिए मैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया है अपने डाइट में और अपना मेंटेनेंस कैलरी खा रही हूँ, अपना वेट जो है वो मेंटेन करके रख पा रही हूँ। आई होप ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे लगे होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आपके वेट लॉस जर्नी में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बेल आइकन दबा दो और उसको ऑल पे करना मत भूलना ताकि हर एक नए वीडियो आने वाले के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे अपडेटेड, lots of love. Look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good thing.